हेलो दोस्तों, अभी जो आपने आरसी प्लेन देखा है वो मैंने कैसे बनाया इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक ही वीडियो में पूरा प्लेन कवर करना थोड़ा मुश्किल है, इससे वीडियो लंबा भी हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 3-4 पार्ट में बनाऊंगा। उसका ये पार्ट 1 है और इस पार्ट में हम विंग बनाएंगे। इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो शेप आप देख रहे हैं ये एयरफॉइल शेप है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कॉर्ड लेंथ है, और विंग यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है वो विंग स्पैन है। हम जो प्लेन बनाएंगे उसकी कॉर्ड लेंथ 9 इंच है, इसके लिए आपको इस प्रिंटआउट की ज़रूरत होगी। इसकी 2 प्रिंटआउट ले लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसके बाद आपको ज़रूरत होगी सनबोर्ड की। सनबोर्ड पे ये 9 इंच वाली एयरफॉइल जो है पेपर काट के इस पर चिपका दीजिए, और उसके बाद ब्लेड से शेप काट लीजिए। इसके बाद मैंने इसके ऊपर वाली साइड में ये कारपेंटर स्टेप लगा दिए, और इस ऐसे आपको 2 शेप बनाने, और इसमें मैंने ए पिन से होल्स कर दिए। विंग बनाने के लिए आपको 40 mm थिकनेस वाली एक थर्माकोल शीट की ज़रूरत होगी। थर्माकोल शीट के ऊपर ऐसे मार्किंग 9.5 इंच के मार्किंग करके उसको काट लीजिए। अब ये वाला एयरफॉइल शेप पिन का यूज करके इसके ऊपर लगा दीजिए। आपको एक हॉट वायर कटर की जरूरत होगी। इसमें यहाँ पर नाइक्रोम वायर है और यहाँ पर रबर है। ये वाला पार्ट जो है ये स्टेडी है, और ये वाला पार्ट जो है ये मूव होता है। रबर की वजह से इसमें टेंशन बना रहता है वायर में। नाइक्रोम वायर को हम 24 वोल्ट का सप्लाई देंगे, जिससे गर्म हो जाएगी और हम थर्माकोल का एयरफॉइल शेप काट सकते हैं। हॉट वायर कटर के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एकदम डिटेल में आपको सब स्पेसिफिकेशन दूंगा और इसको 24 वोल्ट सप्लाई कैसे देना है वो भी बताऊंगा। लीडिंग एज जो है ये थोड़ी ट्रिकी है, तो इसे हम हॉट वायर से कट नहीं करेंगे, ये शेप हम सैंडिंग से करेंगे। ऐसे आपको 3 सेक्शन बनाने हैं, हर एक की लेंथ 19.8 इंचेस होगी। अब इसको हम जोड़ेंगे।
अब इस जॉइंट को हमें और स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसके लिए हमें फेविकॉल और न्यूज़पेपर की ज़रूरत होगी। आप जितना फेविकॉल लेंगे उसमें उतना ही पानी मिलाइए। न्यूज़पेपर की जगह आप वाइट पेपर यूज़ करेंगे तो इसको अच्छा लुक आएगा। ये वाला मिडल सेक्शन है, ये लेफ्ट सेक्शन है, और इसी तरह से आप राइट वाला सेक्शन भी जोड़ेंगे। ये बीच वाला जो सेक्शन है इस पर बहुत लोड आता है, इसके लिए इसको भी आप थर्माकोल और फेविकॉल से कवर करेंगे। इसे सूखने के लिए 2-3 घंटे तक छोड़ दीजिए। ये मेरा फिनिश्ड विंग है, सेंटर वाले सेक्शन पे मैंने न्यूज़पेपर लगाया है जिससे इसको बहुत मजबूती आई है। विंग पूरी तरह सूखने के बाद मैंने उसके लीडिंग फ्रंट एज में ये टेप लगा दिया। सेंटर में मैंने एक पॉप्सिकल स्टिक लगाई है आगे और पीछे दोनों बाजू में। इस प्लेन में मैंने जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स यूज़ किए हैं उसकी लिस्ट और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है।